मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन का है, जहां पदस्थ महिला चिकित्सक डॉक्टर पुष्पा भगत अपने पति डॉक्टर संदीप भगत के बीएमओ के पद में होने का दुरुपयोग कर रही है। वो ना तो कभी समय पर अस्पताल में आती हैं और ना ही कोई अस्पताल संबंधी कार्य किया करती हैं। वो सिर्फ अस्पताल अपना साइन करने के लिए ही आती हैं और फिर अपने कमरे में जाकर प्राइवेट लोगों को देखकर मोटी फीस लेती हैं। महिलाओं के पास इतनी बड़ी मजबूरी है कि उनको सिर्फ उन्हीं से दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ इकलौती महिला चिकित्सक है। अभी अभी कुछ महिलाएं अस्पताल में आई जिन्होंने मजबूरी में पुरुष डॉक्टर को दिखाया, पर वो अपनी पूरी तरह समस्या बता नहीं पाई। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये समस्या कई दिनों से है और लगता है ये समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। जब जिम्मेदार अधिकारी जो कि महिला डॉक्टर के पति भी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल रवैया अपनाया वह डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी कोर्ट के काम में लगी है, पर वास्तविकता तो यह है कि वो बड़े आराम से अपने घर में जाकर मरीजों को देख रही थी। वहीं इस मामले में जब दूसरे क्लीग डॉक्टर सज्जन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कुछ बोलने से साफ मना कर दिया, जबकि उनकी कैबिन ठीक महिला चिकित्सक के बगल में है और उनके चेहरे को देखकर वो उनकी बातों को सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो कितने दबाव में है। मैं आया था आपके पास, विनीत सर बैठे थे, क्या बता सकते हैं विनीत सर क्यों बैठे थे यहाँ? क्यों बैठे थे यहाँ आपके पास? मरीजों को देखने के लिए। उनकी ड्यूटी कहाँ है? मरीज ये देख रहा था। ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैंने सीएमएचओ से बात की, सीएमएचओ कहते हैं कि आज का दिन का उनका वहाँ निर्धारित है, आपका भगवान निर्धारित है। भगवान के लोगों से मैंने पूछा, भगवान के लोग बोलते हैं कभी आज तक आए नहीं मेरे यहाँ, भगवान में नहीं खुलते हैं। लेकिन आपके पास, चूंकि मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपके बगल में बैठे थे, इसलिए आज क्यों बैठे थे बस इतना जानना चाहता हूँ। कैसे ही नॉर्मल टाइम पास के लिए बैठे थे कि ड्यूटी रहती है उनकी, यहाँ पे करते हैं भगवान भी करते हैं, दोनों जगह करते। दोनों जगह एक आदमी कैसे पहुंच सकता है सर? नहीं डे है ना, डे डिसाइड है, ऐसा नहीं है। आज मंगलवार उनका डे है यहाँ का, मतलब उसके हिसाब से ड्यूटी चेंज होते रहे। जैसे किसके हिसाब से? जैसे कोई यहाँ नहीं रहा, या जैसे अभी कुंवर भाई डॉक्टर, उनकी भी घंटी वालों की ड्यूटी लगी है, उनके भी जेडी ऑफिस सेवा में ड्यूटी लगी है। वो मुझे पता है ट्रेनिंग, उनको अच्छी तरह पता है। अच्छा, कोई रिकॉर्डेड है सर उसके पास, किसी रिकॉर्ड में सर? लक्ष्मी तिवारी कहाँ से आई हैं आप? किसको दिखाने आई हैं? सिस्टर दिखाए हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? अच्छा अच्छा, तो लेडीज डॉक्टर नहीं है यहाँ? अच्छा अच्छा, तो ये क्या जेंट्स डॉक्टर को आप पूरा बता पाएंगी आप अपनी समस्या? बिल्कुल यानी ये समस्या बनी रहेगी है ना। ये कितने दिनों से नहीं आती हैं? ये अभी एडमिट थी, दो बार चढ़ गए, फिर छुट्टी दे दी, फिर वही उसका हो गया। यानी अब कुल मिला के मैं काफी दिनों से नहीं बैठती हैं मैम। सर ये जो आपके यहाँ स्टाफ में सर कमी रहती है, बगल में मैंने देखा कल भी आया था, कल मैंने पीला सूट किया हूँ, मैंने फेसबुक में ऑनलाइन भी चलाया हूँ ताकि ये प्रमाणित हो कि मैं कल आया था यहाँ, आज भी आया हूँ। लेडीज डॉक्टर आपके पास आती हैं दिखाने, विनीत सर के पास आती है दिखाने, प्रशांत सर के पास आती हैं, पर लेडीज डॉक्टर बैठते क्यों नहीं है? मैडम रहती है, उनका लेबर रूम में काम रहता है। लेबर रूम में मैं पता करके आया हूँ, अभी सारे रूम में पता करके आया हूँ, कल भी मैं आया था, कल की साइन, कल का सिग्नेचर है ऑलरेडी है, आज का सिग्नेचर है नहीं आज, जबकि आज मैं पूरे हॉस्पिटल में घूम आया हूँ, मेरे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, वो भी विद वीडियो। सर से बात करिएगा, कुल मिलाकर मान जाओ तो आप दवाओं में हैं, आप दवाओं में हैं आप, क्योंकि आपके बगल के जस्ट केबिन जस्ट बाजू में केबिन है। मैं सारे पेशेंटों से आज बात क्यों सर, आपके सामने भी बात क्यों, अभी भी लोगों बात क्यों हूँ? थंब इम्प्रेशन जो आपकी मशीन यहाँ पे है वो भी खराब चल रही है सर? नहीं खराब नहीं था सर, जब मैं आया था यहाँ 10:30 बजे आया हूँ, बंद थी, खराब नहीं है यानी बंद है? नहीं 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 खराब नहीं है, वो लाइट गोल हुआ गया इसी कारण। लाइट भी थी सर, क्योंकि मैं सामने ही था, मैं सबसे पूछा, 2-3 लोग से पूछा भी है, सभी डॉक्टरों से पूछा, आपके लाइट चालू थी, लाइट बंद भी नहीं थी कि लाइट बंद थी? थंब मशीन खराब नहीं, यानी उसको बंद करके रखते हैं? नहीं बंद काहे करेंगे, काम करता है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे यहाँ आज लड़कियों का आज बयान था सर मेरे पास, यहाँ पुष्पा मैम जो बैठती हैं वो कभी रहती हैं यहाँ? नहीं नहीं रहती, यहीं पोस्टेड है, पोस्टेड यहीं है, लेकिन कभी देखती नहीं, क्योंकि आज भी 2 क्रिटिकल केस आए हैं मेरे सामने आए हैं। तो क्या है कि डॉक्टर लोग को कई काम रहते हैं, तो फील्ड में भी जाना पड़ता है जी, ट्रेनिंग भी होती है। आज सर कहाँ पे थी मैम? कोर्ट में भी जाना पड़ता है जी, आज क्या बोलते हैं आज कोर्ट में गई थी वो जी, और इसीलिए आज नहीं आई थी, और कल ट्रेनिंग के लिए सर मैं घर भी गया था सर, लेकिन घर में मैंने देखा कि कुछ मरीजों को इलाज कर रही है, मेरे पास उसकी भी वीडियो फुटेज नहीं, तो वो मरीज तो घर में आएंगे तो हम लोग तो देखेंगे कहीं, यानी आप ड्यूटी पीरियड में घर में भी देख सकते हैं? ऐसा नहीं सर, उसमें टाइम है सर, टाइम हमारा 1 बजे तक है ड्यूटी पीरियड सर, उसमें टाइम है सर 12 बजे का,
मैं 12 बजे आपके यहाँ गया था, क्योंकि आजकल मोबाइल में भी सर टाइम दिखाई सुपर था सर। जिस दिन कोर्ट जाते हैं उस दिन तो फिर वो, मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ आज ही की बात कर रहा हूँ। आज भी? हाँ। यानी कुल मिला, यानी कुल मिला के माना जाए तो बिल्कुल तानाशाही टाइप हो गई, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि यहाँ भी थी, कोर्ट में भी गई थी, वहाँ भी दवाई कर रही है, 12 बजे का टाइम दे रहा है सर। आदमी कोर्ट जाएगा तो वापस भी तो आएगा वहाँ से। बिल्कुल, तो क्या 12 बजे ही वापस आया आकर? फिलहाल यहाँ पे 11 बजे से शुरू होता है जी, 10 मिनट का भी होता है, कभी कभी 1 घंटे का भी होता है। तो हो गया, सकता 10 मिनट में हो गया होगा कोर्ट, इसलिए वापस आ गए होंगे।